श्रीमान अमन अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब कि तुसी अज मैनू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के उपर बोलने का मौका दिता है। स्पीकर साहब, मैं जो लीडर ऑफ द हाउस ने जो मता लिया, मैं उसकी प्रोड़ता करने के लिए तो जो केंद्र सरकार वालों पंजाब के हितों के उपर डाका मारे जा रहे उसके विरोध के बोलन के लिए खड़ा होया। स्पीकर साहब, मेरे तो पहला सारे सत्कारयोग बुलाया ने बड़े विस्तार के बड़ी वधिया गल्लां कीतियां ने, मैं उन्होंने सारे की प्रोड़ता करता हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब वो पंजाब जिन्हें पहले दिनों चाहे पार्टीशन की देश की वंड की लड़ाई होवे, चाहे भुखे देश का ढिड भरन की गल होवे वाइट रेवोल्यूशन के वेले, चाहे अतवाद नू अगे होके लड़ाई लड़न की गल होवे, सारे देश की लड़ाई लड़ी, उस तो बाद मैं समझदा कि जदों इन लड़ाइया लड़न तो बाद समय समय दियां सरकारां रहियां, ते जदों 2014 दे विच देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, और उन तो पहला वह गुजरात के मुख्यमंत्री सी, उदों एक गल बड़े प्रोमिनेंटली कहा करते सीगे फैडरल स्ट्रक्चर बारे, कहा करते सीगे कि केंद्र सरकार और राज दियां सरकारां ने जिहड़ियां दे शुड वर्क इन टैंडम, दे शुड वर्क एज एल्डर एंड यंगर ब्रदर, वड्डे ते छोटे भरा वांगू उन्हां नूं काम करना चाहीदा है। पर जदों दे बीजेपी दी 2014 तों सरकार आई है, गल्लां बातां तौर तरीके सारा कुछ ही बदल गया, ते अज जिहड़ी स्टेट दे विच उन्हां दी सरकार नहीं हुंदी उहदे नाल मतरेई मां वाले सलूक ही नहीं कीता जांदा, धक्के कीते जांदे ने। दिल्ली दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दी उन्होंने पॉपुलैरिटी देखते, दो दिन पहला उन्होंने उपर हमला होया, आ तीन दिन पहला पंजाब नू खत्म करने के मकसद के नाल जिहो जिहा सेंट्रल सर्विसिज रूल अपलाई किए गए ने, नोटिफिकेशन की गई है। मैं समझदा कि किसी भी स्टेट नू वो उठता देख नहीं सकते है। अज आप जो पंजाब की गल करते हैं तो सारी उम्र पूरे देश की लड़ाई लड़ने के बाद चाहे आप पंजाब दे नाल मतरेई माल धक्का होया एस वाई एल नू लेके गल कर लीए, चाहे गुआंढी राज्यां नू दी इंडस्ट्री नू इंसेंटिव दे के पंजाब दी इंडस्ट्री नू खत्म करन दी गल कर लीए, चाहे समय समय सिर जी एस टी ते आर डी एफ दा आपदा हक आपदा रिफंड लैण दे लई सानू बार बार उत्थे सद्दे जांदे के मंगते बन के कटोरा अगे करो, चाहे तीन खेती कानूनों के जरिए पंजाब नू खत्म करने की गल कर लिए, चाहे इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जरिए पंजाब के हकों के उपर डाका मारन की गल कर लिए, चाहे बीबीएम के हकों की गल कर लिए, चाहे सेंटर फोर्सिस का दायरा 15 से 50 किलोमीटर करने की आप गल कर लिए, तो हुण सेंटर सर्विसिज रूल जिहड़े लेके आ रहे हैं। ये मैं समझदा कि हरेक हरेक समय उन्होंने एक ही कोशिश होंदी है कि पंजाब नू खत्म, पंजाब नू बर्बाद कर दिता जाए। और ये जो सेंट्रल सर्विसिज हूँ ठीक है कि केंद्र सरकार ते बीजेपी के नुमाइंदे बड़ा कहते जी कि कोई फर्क नहीं पैना है, पर सही मायने दे विच सर जिहड़ा थोड़ा बहुत भी क्लेम हुण तक दीआं माड़ियां नीतियां दी वजह करके चंडीगढ़ के उपर बचे ना, इहदे नाल भी खत्म हो जाना है, क्योंकि इन्होंने जिहड़े 60-40 की रेशो जिहड़े सेंट्रल सर्विसिज रूल्स ने उहदे विच किते परसेंटेज कोटे के बेसिस का कोई सिस्टम ही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, और ना ही कोई एश्योरेंस दी गई है, ना ही कोई कमिटमेंट दी गई है कि तुहाडा इह कंटिन्यू रहेगा। तो उस तो बाद जो एक बारी बाहरले राज्यां दे मुलाजम इंपलॉइज इत्थे आ गए तो हौली हौली जदों कदे पंजाब चंडीगढ़ के उपर हक जताने की गल करूगा तो उही सब तो वड्डी अड़चन बन जानी है, क्योंकि इंपलॉइज तो जी इत्थों दे है ही नहीं गए। सो इस करके एक बड़ी कोझी बड़ी माड़ी सोच दे नाल इह सारे दा सारा स्ट्रक्चर है जिहड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस जदों हो गईआं ते पंजाब दे नाल जिहड़े दे उपर जिहड़ा माड़ा मोटा क्लेम हुण रह गया
तकरीबन 55-56 साल के ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद भी इन्होंने खत्म कर देना। मेरे तो पहला मेरे सारे ही सत्कारयोग साथियों ने गल की, एली साहब ने भी की के और सीएम साहब ने भी की कि जो कदे भी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है स्टेट्स की, सर चाहे तो आप गल कर लिए जो गुजरात महाराष्ट्र के विचों निकलिया 1 मई 1960 तो मुंबई सी जिहड़ी वह महाराष्ट्र को ही रही, वो तो बाद आप यूपी के विचों उत्तराखंड निकलिया 9 नवंबर 2000 तो लखनऊ यूपी को रही, उन्होंने आपका देहरादून अड स्टेट बनाई। ये तो बाद छत्तीसगढ़ निकलिया एमपी के विचों 1 नवंबर 2000 पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन के 34 साल बाद भोपाल एमपी को रह गया, उन्होंने आपकी नवी रायपुर बनाई। बिहार के विचों झारखंड निकलिया 15 नवंबर 2000 पटना उन्हों को रह गया, उन्होंने रांची झारखंड वाले ने आपकी अड स्टेट आपकी अड जी राजधानी वह बनाई। इस तरीके तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उन्होंने 10 साल का डेफिनेट पीरियड है जोड़ा वो 2024 तक डिसाइड किया। इतने पंजाब 1966 की पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 1966 की, अज 56 साल हो गए हजे तक उदों के बीजे हुए कंडे ने जोड़े वो हजे तक आप लोग चुकी जाते हैं हजे तक 56 साल बाद। सो इस करके बड़िया कोझिया चाल ने जिड़िया ये पंजाब के खिलाफ चलिया जा रही ने। और मेरे तो पहला बाजवा साहब ने सब प्रताप सिंह बाजवा जी ने गल की, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जिहड़ा अज साडी आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की सरकार मान साहब लेके आए ने, यह मता कोई पहली बार नहीं आया है, इस तो पहला भी 6 वारी मते ने सर वो इस हाउस के आ चुके ने। सर 18 मई 1967 के आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद जी लेके आए, सर गुरनाम सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह की वजारत सी उदों, सर 19 जनवरी 1970 चौधरी बलबीर सिंह लेके आए उदों भी सर जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सी, सर 7 सितंबर 1978 सर सुखदेव सिंह ढिल्लों लेके आए उदों सर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार सी, सर 31 अक्टूबर 1985 सर बलदेव सिंह मान लेके आए उदों सर सुरजीत सिंह बरनाला जी की सरकार सी, सर 6 मार्च 1986 ओम प्रकाश गुप्ता जी लेके उदों भी सर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार सी, सर उस तो बाद 6वीं वारी 23 दसंबर 2014 सर इकबाल सिंह झूंदा लेके उदों भी सर प्रकाश सिंह बादल की सरकार सी। सर ये 6 मते वो ने जिन्हां दे विच एक बार भी मेरे सत्कारियों कांग्रेस के साथी गल कर रहे थे, एक बार भी मत है जिहड़ा सर ये एक कांग्रेस की सरकार वेले नहीं आया है, एक बार भी नॉट ईवन सिंगल वंस मता पैंदा रहा। उपर केंद्र दे विच 4 वारी इन्हां समय दौरान कांग्रेस की सरकार सी, जिस 2 वारी इंदिरा गांधी जी की राजीव गांधी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, पर 24 साल और सर मैं दसना चाहूँगा कि 24 साल 1966 जब पंजाब रीऑर्गेनाइज होया ना जी, 24 साल पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है 24 साल तो एक बार भी मता पेश नहीं होया है, एक बार भी 26 साल रही है इन्हें 1 नवंबर 1966 तो बाद जो पंजाब रीऑर्गेनाइज होया, 26 साल रही है केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार, 24 साल इत्थे ते 26 साल उत्थे। सर मेरे बहुत ही सत्कारयोग ने सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा साहब मेरे वड्डे भरा भी ने, मैं इन्हां दी प्रधानगी च काम भी कीता है, इन्हां ने दिल्ली भी इन्हां ने लोक सभा दे विच भी बहुत वधिया काम कीता है, तो इत्थे उम्मीद करदे आ कि बहुत वधिया काम करनगे सारी कांग्रेस पार्टी। सर इन्हां ने एक गल कीती कि असीं किहड़ा मक्खियां मारियां ने, सर इन्हां ने मक्खियां तां नहीं मारियां पर मैं दसना चाहूँगा, प्लीज माइंड ना करियो कि थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां पंजाब दियां सरकारां ने ते थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां केंद्र दियां सरकारां ने मारियां तां हुण तक मक्खियां ही ने, मारियां तां मक्खियां ही ने। सर कमाल होगी सर 24 सर एक सर मैनूं बोल लैंदे सर सर तुसीं वड्डे भरा मैनूं बोल लैंदे ऐ ना करो जी,
मक्खियां मारन दे विच फिर वो भी शामिल ही रहे। ठीक है जी, तुहाडी गल आ गई जी। अमन अरोड़ा जी सर आ गई जी, सर बाजवा जी गल आ गई सर, हो गई बाजवा जी तुहाडी गल गुस्ताखी मांग ली, बेनती की हम ऑर्डर बना के रखो। बाजवा जी, बाजवा जी तुसी सन्मानयोग मेंबर हो, तुसी सन्मानयोग मेंबर हो सर, मैं बोल चुके हो सर, मैं सर सन्मानयोग मेंबर हो। फर्स्ट अप्रैल वाले दिन बड़ा नॉन सीरियस डे है जी, उसने मता क्यों लेके आंदा सर, मैं पूछना चाहना जी सर, एक मिनट जी मेरी बेनती सुन लो जी, ऐना करो धक्का ना करो यार, छोटे भरा मेरी बेनती इनी है सर, सर 70 साल हो गए पंजाब दे, कुछ मजाकी तो चली आउंदा जी, एक दिन नॉन सीरियस डे देना सर, मैं पूछना चाहना जी कांग्रेस नूं, बे भाई तोड़ दो भाजी, बैठ जाओ भाजी, बैठ जाओ गल तो सुन लो जी सर, सर सर अच्छा बाजवा साहब, बाजवा साहब, बाजवा साहब गल सुन दियो जी, मेरे गल ही दो रह गई जी सर, दिन नॉन सीरियस हो सकता है मान ली गल इन्हां दी, सर इशू सीरियस है कि नॉन सीरियस है दस दिन मैं इशू देन वोट करो जी जी मैं मानयोग मैंबरां नूं बेनती करदा कि बहस नूं अगे चलन दईए सर जी। अमन जी जी चेयर नूं एड्रेस करो। हां सर, मैं तो चेयर नूं एड्रेस करा सर, बाजवा साहब नजर इनायत हो जाती मेरे नाल, बड़ा ज्यादा प्यार करते ने, मैं तो इसे करके डिस्टर्ब हो जाता सर। सर मेरी मेरी बेनती सर इनी है कि 24 साल इन्हों की सरकार उरे रही है, तो 26 साल इन्हों की सरकार रही है केंद्र दे विच, ते अज हजे भगवंत मान जी की सरकार बनी नू 24 दिन हो ही नहीं है, तो यह मता असी लिया, मता असी लिया, साडी सीरियसनैस नू, साडी सीरियसनैस नू जे ये क्वेश्चन करनगे ना, तो पलंदे इन्ने ने कि के इन्हां नूं जवाब नहीं लभणे है, जवाब नहीं लभणे है। सो मेरी तुहानूं बेनती इन्नी है, एक गल होर कीती गई है कि एस वाई एल की गल हुई है, ठीक है बहुत चंगी गल है सर, मैं तुहानूं कांग्रेस पार्टी वालों गल आई है कि एस वाई एल की गल होनी चाहिए है सर, मैं तुहानूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि एक स्पैशल सैशन है ना जी, वो एस वाई एल के उपर ही रख लीए, एस वाई एल के उपर ही, क्योंकि यह एक पानी च बधाणी 60 साल हो गए यह जी पा के रखी है कि वो उपर ही कई बार सरकार बन लिया, कई बार ढहिया पतनाला उत्थे दा उत्थे सर, जदों पुछया जाऊगा ना कि 24/3/76 क्यों कांग्रेस की सरकार ने यदी नोटिफिकेशन की सी, क्यों स्टेचरी ऑर्डर जिहड़ा कीता सीगा सर, जदों पुछया जाऊगा ना कि 20/2/78 क्यों लैंड एक्विजिशन का ऑर्डर जिहड़ा उदो सर प्रकाश सिंह बादल जी दी सरकार वालों किया गया सीगा सर, जदों इन्हां नूं पुछया जाऊगा ना कि 4/7/78 क्यों बादल साहब ने हरियाणा तो 3 करोड़ रुपये एस वाई एल वास्ते मंगे सीगे सर, जदों इन्हां नूं पुछांगे ना तो 31/7/79 क्यों हरियाणा तो 1 करोड़ रुपये जिहड़ा आया सीगा उह रिसीव कीता सीगा पंजाब ने सर, जदों इन्हां नूं पुछांगे कि 31/12/1981 क्यों ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट होया सीगा, तो उस ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट के पंजाब हरियाणा ते राजस्थान जेडे तिना स्टेटा के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीगे, ते केंद्र दे विच प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के सीगे, उदों ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट है जिहड़ा वो कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया सर, जदों इन्हां नूं पुछांगे कि 23/4/1982 क्यों वाइट पेपर पहला आया कांग्रेस पार्टी वालों लिया गया कि एस वाई एल कमाल होगी जी, पंजाब बच रहेगा, पंजाब प्रफुल्लित हो जूगा, तो उस तो बाद इस सैशन इस विधान पवित्र विधानसभा के जो 23/4/82 उस एस वाई एल दे नोटिफिकेशन की फैसले की इतने बड़ी वाहवा की गई सी कांग्रेस पार्टी वालों, तो उस तो मगरों क्यों 8/4/1982 कपूरी के टक श्रीमती इंदिरा गांधी जी वालों लाया गया
क्यों 24/7/1985 नूं राजीव लोंगोवाल रिकॉर्ड किया गया सीगा जी, जो दो तेरा बराबर दियां सांझेदार सीगियां, ते इह फैसला किया गया सीगा कि दो सालां दे विच विच SIL बना के पासे करांगे। ते सर ओ तो पहला एक बारी 1977 दे विच एक बारी हाई कोर्ट दे विच केस किया सीगा, 78 सैक्शन नूं चैलेंज किया सीगा, ते उदों वी कांग्रेस पार्टी दे मुख्यमंत्री साहब दरबारा सिंह नूं केस नूं वापस लै लिया सीगा। मेरी बेनती तुहानूं इह है कि रखो स्पैशल सैशन, रखो और रखना बनता है ताकि लोगों के अगे दुद्ध दुद्ध पानी जिहड़ा पानी दा पानी हो सके। सर मेरी बेनती यह है कि लोगों ने, मैं कर रहा सर कंक्लूड कर रहा, सर मेरी बेनती तुहानू सर यह है कि बहुत लंबा समा हो गया और मते की गल की गई, मता कहिंदे कि इत्थे आ जांदा इत्थे रुक जांदा मुड़ के गाहां जांदा नहीं हैगा। सर गल यह है कि जदों लोगों ने मैंडेट दिता ना आम आदमी पार्टी नूं ते भगवंत मान जी नूं लड़ाई लड़ने का, तो लड़ाई तो टिल्ले का जोर ला के लड़ांगे, चाहे वह विधानसभा के अंदर लड़नी पवे, चाहे बाहर लड़नी पवे, चाहे कानूनी पद्धर से लड़नी पवे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पद्धर से लड़नी पवे, चाहे धरने मुजाहरे करने पैण प्रधानमंत्री के घर दे के, लड़ाई तो असी डट के लड़ांगे, क्योंकि ना तो असी केंद्र वालों तो कोई 7-7 रिजॉर्ट वास्ते थां लेनी है, ना असी किसी का वीजा अप्रूव कराने जाना केंद्र वाले को, ना असी ईडी दियां फाइलों तो डरना है, तो ना ही असी किसी ड्रग मसले च किसी को छुड़ाने जाना। सो इस करके लड़ाई तो लड़ांगे, ठोक के लड़ांगे। हुण इह किन्ना क नाल खड़दे ने ओ, इन्हां दी जमीर ते इन्हां दी आत्मा जानदी है सर, अज दिल रोंदा सर। ओ पंजाब जिहड़ा हर पक्षों हर चीज़ दे विच हर गल दी सरमौर होया करदा सीगा, अज कादे सरमौर रह गया सर, कादे सरदारी रह गई साडी। सब तो वध कहड़े सूबे दे उपर सब तो वध करजा पंजाब दे सिर है जी, सब तो वध कहड़े सूबे दे विच सब तो वध नशे दी कंजम्पशन है जी पंजाब दे विच, अज इह सरदारी रह गई साडी, अज सरमौर हां सी। कहड़े सूबे दे बच्चे आपका घर बार छड़ के सारा कुछ बेच बट के बाहरले मुल्कों नूं भज रहे ने जी, इहदे सरदारी रह गई साडी सर। ओ पंजाब जिहड़ा हर टाइम हर काम दे सरमौर होया करदा सी। सो मेरी बेनती इन्नी है कि लड़ाई तो जी इह लड़ांगे, तकड़े होके लड़ांगे और जित्तांगे, क्योंकि सही और चंगीआं साफ नीतां नूं भाग हुंदे ने, ते नीतां साडियां साफ ने, लड़ाई च कोई कसर नहीं रहेगी, बाकी बाबे नानक दी मेहर। सो इन्हां शब्दां तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्नवाद। ऑफ दी रिकॉर्ड।